स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्नैक्स फूड प्रोसेसिंग. दिस इज ऑल्सो एन एक्सट्रूजन बेस्ड प्रोडक्ट. लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने थर्ड जनरेशन स्नैक्स के बारे में जो है वो पढ़ा था, जिसको हमने कहा था कि जिसके अंदर फर्स्ट एक ड्राइंग जो है एक स्टेप होता है, उसके बाद उसकी एक्सपेंशन होती है और फिर जो है वो उसको हॉट ऑयल या हॉट एयर में जो है वो उनको दोबारा से ट्रीट करवाया जाता है. तो जो बाकी टाइप्स हैं स्नैक फूड्स की, उनके बारे में जो है वो आज हम पढ़ेंगे. तो स्नैक फूड्स होते क्या हैं? अ स्नैक इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड ईटन बिटवीन मील्स, जो कि ब्रेकफास्ट या लंच इनके दरमियान कंज्यूम किया जाता है, या फिर लंच या फिर जो हमारा फाइनल डिनर है उसके दरमियान हम इसको कंज्यूम करते हैं. द अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी डिफाइंस स्नैक्स एज हरिड और लाइट मील. तो स्टार्टिंग में जो है ये इसको जो अमेरिकन डिक्शनरी डिफाइन करती है हरिड या फिर लाइट मील, जिसको आप जो है वो फास्टली कंज्यूम करते हैं. स्नैक्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ ट्रीट और रिवॉर्ड. समटाइम्स जो है वो कुछ सेरेमनीज में जो है वो इन प्रोडक्ट्स को पेश किया जाता है एज अ ट्रीट. इसलिए जो है वो कुछ बेकरी का जो है या बेकरी आइटम्स का नाम जो है वो आप ट्रीट के नेम से भी देखेंगे, इस ट्रेड नेम से भी, या फिर जो है वो कुछ अवार्डिंग सेरेमनीज में जो है वो ऐसी प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज किया जाता है. डिजाइंड टू बी पोर्टेबल क्विक एंड सेटिस्फाइंग. तो पोर्टेबल, ताकि जो है वो इसको दोबारा पकाना ना पड़े, हम इसको कहीं भी जो है वो पैकेज्ड फॉर्म में ले जाएं. स्नैक्स बिटवीन मील हेल्प अस टू गेट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैलोरीज फॉर बॉडी रिक्वायरमेंट. अब इसके अंदर जो इसकी जो प्रोडक्शन है उसके दरमियान इसकी जो कैलोरीज है वो बहुत ज्यादा उसको मॉनिटर किया जाता है, ताकि आपकी बॉडी की जो मिनिमम कैलोरीज हैं वो मिनिमम कैलोरीज जो हैं वो इस प्रोडक्ट से आ सकें. प्रोसेस्ड स्नैक फूड्स एज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कन्वीनियंस फूड आर डिजाइन टू बी लेस पेरिशेबल एंड मोर ड्यूरेबल. तो इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो ज्यादा जो है वो रखी जाती है, ताकि जो है वो ज्यादा टाइम के लिए, अगर कुछ लोग ट्रेवलिंग कर रहे हैं या फिर जो है वो ऐसे एरियाज में हैं जहां अवेलेबिलिटी जो है वो ट्रांसपोर्ट की अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे जो है वो रीजनल एरियाज के लिए जो है वो ऐसे प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है. दे ऑफन सच कंटेन सब्सटेंशियल अमाउंट्स ऑफ स्वीटनर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स. तो जितने भी हैं इसके अंदर फ्लेवरिंग या फिर जो है वो एडिटिव्स, विटामिन मिनरल्स जो हैं उससे भी इनको एनरिच करवाया जा सकता है. अब इसकी टाइप्स जो हैं वो बेसिकली जो इसकी जो टू ब्रॉड मेन कैटेगरीज हैं, जिसमें फर्स्ट वन जो है वो स्वीट स्नैक्स, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो है वो सीरियल बार्स या फिर ब्रेकफास्ट सीरियल प्रोडक्ट्स, चॉकलेट बार्स या बिस्किट्स, जिसके अंदर जो है वो शुगर्स का या कार्बोहाइड्रेट्स की इन्वॉल्वमेंट भी होती है और वो हमारे पास स्वीट फॉर्म में जो है वो अवेलेबल होती हैं. और जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो सेवरी स्नैक्स है, जिसके अंदर जो है वो यूजुअली इसको स्पाइसेस से या फिर सॉल्ट से या मोनोसोडियम ग्लूटामेट या इस तरह के जो कुछ सॉल्ट रिप्लेसर्स हैं उसके साथ इनको प्रिपेयर किया जाता है. सो अ लिटिल बिट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ स्नैक फूड्स, ये कब से जो है ये प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री स्नैक फूड्स हैव देयर ओरिजिन्स बैक टू थाउजेंड्स ईयर अगो, बट इट इज ओनली सिंस द कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्नैक्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ पोटैटो क्रिस्प दैट स्नैक फूड्स एज वी नो देम टूडे केम इनटू बीइंग. तो हजारों साल से जो है ये इसको इंसान बनाता आ रहा है मुख्तलिफ फॉर्म्स में, पोटैटो स्नैक्स की फॉर्म में या फिर मुख्तलिफ सीरियल स्नैक्स की फॉर्म में. लेकिन रिसेंटली 40-50 ईयर्स बिफोर जो है वो हमारे पास जो है वो यूरोप में या फिर जो अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन साइड है उसके अंदर जो है वो कुछ पोटैटो की आइटम से जो है वो इसको ट्रेड नेम्स दे दिए गए, जिस तरह पोटैटो क्रिस्प या इस तरह के जो आइटम्स हैं. तो फर्स्ट फ्लेवर्ड क्रिस्प जो है वो 40-50 ईयर्स अगो जो है वो यूरोप में इंट्रोड्यूस करवाए गए विद एडिशन ऑफ चीज एंड अनियन. हाउएवर पोटैटो क्रिस्प कुड बी परचेज ईयर्स बिफोर दिस विद द फेमिलियर ब्लू बैग कंटेनिंग सॉल्ट इन एवरी पैकेट. करंट सिचुएशन, तो आजकल जो है वो डिफरेंट वैरायटीज में ये जो स्नैक फूड्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि स्वीट स्नैक्स भी हैं और सेवरी स्नैक्स भी हैं. तो कंज्यूमर्स के पास जो है वो एक जो है वो लार्ज वैरायटी अवेलेबल है मार्केट में, जिसके अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स की एडिशन है. वो सॉल्टेड फॉर्म में भी हैं, सेवरी फॉर्म में भी हैं, उसमें चीज के, अनियन के या केचप विनीगर के फ्लेवर्स जो हैं वो, या फिर
समटाइम्स जो है वो मीट के फ्लेवर से भी जो है वो इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसके अंदर चिकन, बीफ या फिर फिश के फ्लेवर से भी जो है वो, सी फूड फ्लेवर से भी, जैसे आप ये ग्रिल्ड श्रिम्प फ्लेवर्ड के प्रिंकल्स देख रहे हैं, तो इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं ये आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मेजर जो इसकी ब्रॉड कैटेगरीज हैं, टाइप्स ऑफ स्नैक्स जो हमारे पास आते हैं, उसके अंदर जो है वो आपको बताया, जिस तरह फिश या फ्राइड फिश स्नैक्स जो के जो है वो सी फूड से जो है वो हम तैयार कर सकते हैं, नट स्नैक्स जिसमें जो है वो रोस्टेड पीनट्स या रोस्टेड आलमंड्स आप देखें, उसको जो है वो डिफरेंट स्नैक फूड्स में जो है वो यूज किया जाता है, उसकी बार्स बनाई जाती हैं। फिर मीट स्नैक्स, हमने जो है ये कुछ जो है वो प्रोडक्ट्स में पढ़ा कि चॉप्ड फॉर्म में जो है वो हम मीट को या टेक्सचराइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन के अंदर भी जो है वो हम इसके जो है वो कुछ एडिशन करवा देते हैं। तो इसके भी कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, जिनको ड्राइड जो है वो किया जाता है, ताकि वो जो है वो शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ सके और वो हमें लेटर ऑन भी हम उसको कंज्यूम कर सकें। फिर सीरियल स्नैक्स में हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में जो है वो ब्रेकफास्ट सीरियल्स पढ़ा था, जिसकी एक मेजर जो है वो टाइप जो है वो कॉर्नफ्लेक्स हमने पढ़े। और फाइनली जो है वो पोटैटो स्नैक्स, जो कि जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो पाए जाने वाले स्नैक्स हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें जो आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो है वो पोटैटो चिप्स आप मार्केट में जो है वो देखते हैं। तो इनको जो है वो वन बाय वन हम देखते हैं। पोटैटो बेस्ड स्नैक्स, द पोटैटो चिप्स फॉर्म द लार्जेस्ट स्नैक फूड सेक्टर इन ऑल मार्केट्स वर्ल्ड वाइड। जो है ये जितनी भी आपकी फूड इंडस्ट्री की जो आइटम्स हैं उसमें जो है वो इसका बहुत ज्यादा शेयर है। अब इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? Traditional potato chips start with whole raw potato sliced between 0.03 and 0.7 inches thickness. तो starting जिस तरह हमने extrusion process में पढ़ा कि इसकी जो है वो arrival on the factory and then उसकी जो है वो sorting and grading की जाती है, फिर उनको slice किया जाता है मुख्तलिफ inches के अंदर। These cuts can be straight, grooved, crinkled or flat surface. अब different forms के अंदर उसकी cutting की जाती है, जैसे जो हम टाइप, जो हम शेप देना चाहते हैं उसको, उसको फैसिलिटेट करने के लिए भी एक शुरू में इनिशियल एक खास उसको एक शेप दी जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट स्लाइस शुड बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल दीज कट्स। जितने भी उसके जो है वो कटिंग की जाती है एक्सट्रूजन से पहले या एक्सट्रूजन के दौरान, वो तमाम जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ताकि आपका जो पैकेट है उसके अंदर जितने भी क्रिस्प हैं वो तमाम जो है वो यूनिफॉर्मली जो है वो उनकी शेप हो। These slices are washed with water to remove starch and eliminate sticky, or can be blanched to reduce the level of reducing sugars to avoid browning before frying. हमें पता है कि जो browning या Maillard reaction है वो sugars की वजह से और amino acids की वजह से high temperature के ऊपर जो है वो create होता है। तो फिर हम इनको जो है वो fresh water से जो है वो इन slices को wash करते हैं, और इस water की वजह से जो है वो उसका फर्दर जो है, जब उसकी ब्लांचिंग करते हैं तो उसके कुछ रिड्यूसिंग शुगर जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, जो कि फर्दर जब उसको हाई टेम्परेचर मिलता है तो वो ब्राउनिंग रिएक्शन को अवॉइड करते हैं। क्रिटिकल पैरामीटर्स जो है वो हमने काफी लेक्चर्स में पढ़े हैं कि जो आपके एक्सट्रूजन के अंदर मॉइस्चर, उसका स्टार्च कॉन्टेंट, उसके जो कार्बोहाइड्रेट्स या उसके शुगर कॉन्टेंट है, इन तमाम पैरामीटर्स को जो है वो क्रिटिकली मॉनिटर करना पड़ता है थ्रू आउट योर प्रोसेसिंग। फॉर अ गुड पोटैटो चिप्स द ड्राई मैटर शुड बी 20-30% giving a specific gravity of 1.08 to 1.09. तो इसके अंदर जो है वो surface area भी उसका बहुत matter करता है। अगर आपका product जो है वो उसका surface area बहुत thick है या बड़ा है आपका जो potato cut है, तो वो proper जो है वो उसके अंदर cutting, जो उसकी cooking है वो perform नहीं होगी। या अगर आपका जो potato cut है वो बहुत छोटा है तो उसके अंदर जो है वो overcooking भी perform हो सकती है। So potato with a lower specific gravity requires a longer frying time and absorb more oil. क्योंकि जितने भी आपके जो स्टार्च या फैट या मॉइस्चर और शुगर लेवल हैं, ये हमें एक्सट्रूजन प्रोसेसिंग में थ्रू आउट मॉनिटर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है नट बेस्ड स्नैक्स। पीनट्स, आलमंड्स एंड वेरियस सॉर्ट्स ऑफ नट्स आर वाइडली यूज्ड टू प्रोड्यूस स्नैक्स। तो अब ये जो है हम इन नट्स की प्रोसेसिंग भी एक्सट्रूजन से करवा सकते हैं, जिसमें हम इनकी रोस्टिंग या फिर इनको हम फर्दर जो है वो इनको मोल्ड करके डिफरेंट जो है वो इनको शेप दे सकते हैं, इनकी कोई प्रोडक्ट, इनकी बार बना सकते हैं, या फिर इनकी फर्दर रोस्टिंग करके, इनको ड्राई करके हम इनको किसी एक्सट्रूजन बेस्ड प्रोडक्ट में भी यूज कर सकते हैं एज एन इंग्रेडिएंट। सो दीज स्नैक्स आर रिच इन फैट एंड आर कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशियस स्नैक्स बिकॉज ऑफ देयर फैट सॉल्युबल विटामिंस
डाइटरी फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड प्रोटीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी. तो ये नट पेस्ट स्नैक्स हैं, ये कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर न्यूट्रासिटिकल प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर जो है वो, इसके अंदर जो है वो उनको एक एनर्जी जो कि फैट से मिल सकती है, एसेंशियल इनको विटामिन मिनरल्स की भी जो है वो इसके अंदर डोजेज मिल सकती है, फिर डाइटरी फाइबर और फिर उनको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी जो है वो तमाम इन नट से मिल जाती है. दीज आर कंसिडर्ड मिनिमली प्रोसेस्ड स्नैक्स बिकॉज कर्नल्स आर रोस्टेड और हीट ट्रीटेड एंड समटाइम्स फ्राइड प्रायर टू फ्लेवरिंग एंड पैकेजिंग. इनको जो है वो कम से कम जो है वो प्रोसेस किया जाता है और फर्दर जो है वो इनकी एक रोस्टिंग करवाई जाती है और फाइनली इनकी फ्लेवरिंग एंड पैकेजिंग कर दी जाती है. रोस्टिंग और फ्राइंग ऑफन इंटेंसिफाइज एंड इम्प्रूव द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द नट्स. नट्स जो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर फ्लेवर, रोमा और टेस्ट, ये तमाम चीजें आ जाएंगी. रोमा और टेस्ट जो है ये दोनों मिला के जो है वो फ्लेवर देते हैं और जो उसकी जो है वो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज जो है वो नट्स की बढ़ा देते हैं. सो मेजर जो है वो उसकी, अगर हम पीनट्स की बात करें तो हमारे पास तीन टाइप्स आती हैं, स्पेनिश, वैलेंशिया या फिर वर्जीनिया. तो जो स्पेनिश वैरायटी है हमारे पास, उसके जो शेल है वो थिन फॉर्म में, हमारे पास थिन शेल्ड पॉड्स होते हैं विद वन और टू एपिथिकल फ्लैश कलर्ड कर्नल्स. सेकेंड जो हमारे पास वैरायटी है वर्जीनिया टाइप की, उसके जो हमारे पास पॉड्स हैं वो थिक साइज के होते हैं एंड आर प्रेफर्ड बाय द स्नैक फूड इंडस्ट्री. तो डिफरेंट जो हमारे पास ये जो आइटम्स हैं या डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास जो ये पीनट्स अवेलेबल हैं, हम ये उनकी सिलेक्शन करते हैं डिपेंड हम क्या प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं. हार्वेस्टिंग इफेक्ट ऑन पीनट. इफ पीनट्स आर हार्वेस्टेड टू अर्ली, मेनी ऑफ द पॉड्स विल बी इमेच्योर यील्डिंग श्रिवल्ड कर्नल्स. Whereas if harvesting is too late, many of the pods may be contaminated with molds. तो इसके क्वालिटी पैरामीटर्स में अगर कोई मैन्युफैक्चरर जो है वो पीनट बेस्ड प्रोडक्ट कोई बना रहा है एक्सट्रूजन के अंदर, तो उसकी हार्वेस्टिंग को उसको बहुत जो है वो क्रिटिकली मॉनिटर करना पड़ता है. अगर बहुत जल्दी वो पीनट्स को हार्वेस्ट कर लेगा तो जो उसके पॉड्स हैं वो इमेच्योर होंगे, जो कि उसकी फर्दर जो है वो एक्सट्रूजन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. तो इसके अंदर जो है वो मॉइस्चर कॉन्टेंट का भी बहुत जो है वो क्रिटिकल रोल है. पीनट्स आर यूजली picked at an average moisture content of 18-30% and then dehydrated to lower than 5-10%. And for marketing, the desired moisture content of the shelled peanut is about 7-8%. तो हमने देखा कि किस तरह जो है वो इसको pick किया जाता है, harvesting इसकी की जाती है at 18-30% और further उसको 7-8% तक जब उसको हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है तो हम उसका जो है वो डिहाइड्रेट करके उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो मजीद कम कर देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो एक कैटेगरी है वो सीरियल बेस्ड स्नैक्स की है, जिसमें हमने कुछ लेक्चर्स पहले एक ब्रेकफास्ट जो है वो सीरियल्स ने पढ़े थे, जिसमें हमने कॉर्नफ्लेक्स के बारे में पढ़ा था या इस तरह के कुछ और आइटम्स थे. तो हमने देखा था कि उसके अंदर वीट जो है या कॉर्न जो है ये एक मेजर रॉ मटेरियल है. So wheat flour is extensively used to produce snacks such as crisp breads and pretzels. अब अगर हमने जो है वो snacks बनाने हैं through cereal based, तो इसके अंदर हमारे पास दो main जो हैं वो examples आती हैं market में available हैं, crisp breads और pretzels. Crisp breads जो हैं जैसे आप picture में देख रहे हैं oatmeal based crisp bread. There are many bread formulations generally produced to form refined wheat flour. Whole wheat flour or composite flours produced from a mixture of different crushed grains. कैसे जो है ये तैयार होता है, इसके अंदर जो है वो different हम steps देखेंगे आगे जाके. Toasting इसमें जो है वो एक main और उसके बाद जो है वो इसकी drying की जाती है. इसकी एक और type जो है वो rusk की form भी हमारे पास market में available है. Toasted bread or crisp breads have prolonged microbial shelf life because they generally contain approximately 6% water activity. Of less than 0.5 and a pH below 5%. The dehydration toasting process enhances staling. A staling जो है, अगर आपको इसका बारे में कुछ पता हो तो ये एक irregular moisture जो है वो movement होती है bread के अंदर भी हमें ये देखने को मिलती है. उधर तो ये एक as a problem हम इसको deal करते हैं, लेकिन crisp bread के अंदर जो है वो staling जो है वो enhance हो जाती है जब इसकी जो है वो dehydration और toasting होती है. तो fresh bread normally contains 32% to 35% moisture. अब हमने जो है वो crisp bread बनाने के लिए इस moisture को reduce करना है. And this moisture should be carefully removed to produce top quality crisp breads. Here is a flow diagram
फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रिस्पी ब्रेड कैसे इसको तैयार किया जाता है थ्रू एक्सट्रूजन. तो रॉ मटेरियल इसको जो है वो इसकी अराइवल ऑन द एक्सट्रूजन फीडिंग सेक्शन, उसके बाद इसकी हम मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, यहाँ जो है इसकी प्री कंडीशनिंग भी हम करवा सकते हैं, एंड देन इट इज इंट्रोड्यूस्ड टू द एक्सट्रूजन, जहाँ ये डिफरेंट सेक्शन से गुजरता हुआ कंप्रेशन सेक्शन, देन इज फ्रॉम द मेल्टिंग सेक्शन और मीटरिंग सेक्शन, और उसके बाद इसकी क्रिपिंग एंड कटिंग, जहाँ इसको एक खास शेप दी जाती है, और फाइनली इसकी मल्टीपल ड्राइंग होगी, टोस्टिंग होगी, जहाँ इसको एक ब्राउन कलर जो है वो रिसीव होगा, और फाइनली उसकी स्टैकिंग और पैकेजिंग कर दी जाती है. नेक्स्ट जो हमारे पास आइटम हमने देखा, प्रेट्जल्स. ये भी एक बहुत पुराना जो है वो एक आइटम है, इज अ वीट बेस्ड स्नैक्स विद 800 इयर्स ऑफ हिस्ट्री. अगर आप इसकी ये शेप देखें प्रेट्जल की, तो आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस बना हुआ है. द टिपिकल प्रेट्जल कॉन्फिगरेशन क्लियरली शोज अ क्रॉस इन द मिडल रिप्रेजेंटिंग द क्रॉस्ड आर्म्स ऑफ अ क्रिश्चियन प्रेयर. तो यूरोपियन जो कम्युनिटी है वो इसको क्रॉस को कंसिडर करते हैं, जो कि आर्म्स हैं, जिस तरह क्रिश्चियन प्रेयर्स जो क्रिश्चियंस जो हैं हमारे पास कम्युनिटी, वो इसको जो है अपना जो है एक एज एन आइटम डील करते हैं. प्रेट्जल आर वेरी पॉपुलर इन द यूरोपियन कम्युनिटी एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम फर्मेंटेड वीट फ्लोर डो दैट इज ट्रीटेड विद अ कवरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और अदर अल्कली सॉल्ट सॉल्यूशंस प्रायर टू बेकिंग. तो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट हम इसमें फ्लेवर्स जो है वो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स में या फिर यूरोपियन जो हमारे पास मार्केट है स्नैक फूड की, उसमें अवेलेबल हैं, जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी इसको इससे ट्रीट करते हैं, या फिर अल्कली सॉल्ट सॉल्यूशन से भी हम इसको जो है वो ट्रीट करते हैं. अ टिपिकल फ्लो चार्ट फॉर द डायरेक्ट एक्सपेंडेड कॉर्न मील बेस्ड स्नैक प्रोडक्ट्स. सिमिलर हमारा जो रॉ मटेरियल्स है उसका अराइवल ऑन द फीडिंग सेक्शन, उसके बाद उसके अंदर प्री कंडीशनिंग कर सकते हैं आप. एक्सट्रूजन के अंदर जो है वो गुजरेगा, जिसके अंदर डिफरेंट सेक्शन से वो गुजरता हुआ नाइफ की तरफ आता है, और उसके बाद जो है वो मल्टीपल पास स्नैक ड्रायर से वो गुजरेगा, जहां उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा अप टू अ ऑप्टिमम लेवल, एंड देन इट इज मूव टू द फ्लेवर एप्लीकेटर, जहां उसके अंदर फ्लेवर की एडिशन करवाई जाती है या फर्दर उसका कलर जो है वो इनहांस करवाया जाता है, एंड फाइनली इट इज मूव टू द पैकेजिंग सेक्शन. जी, तो आज हमने जो है वो स्नैक फूड प्रोसेसिंग के अंदर देखा कि किस तरह जो है वो हमारे पास आइटम्स में अवेलेबल हैं. ये वो मील है जो हम लंच या डिनर या फिर ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान कंज्यूम करते हैं, एज अ ट्रीट और एज अ रिवॉर्ड भी जो है वो हम इसको जो है वो पेश करते हैं. मेजर जो इसकी क्लासेस हैं वो स्वीट स्नैक्स है, जिसमें हमारे पास सीरियल बेस्ड ब्रेकफास्ट या चॉकलेट बार्स हैं, और अदर जो है हमारे पास सेवरी स्नैक्स हैं, जिसमें हम स्पाइसेस की, सॉल्ट की या मोनोसोडियम ग्लूटामेट की जो है वो एडिशन करते हैं. हिस्ट्री इसकी स्टार्ट होती है थाउजेंड्स ईयर्स बिफोर, लेकिन 40-50 ईयर्स जो है वो बिफोर एक फ्लेवर्ड क्रिस्प या फिर पोटैटो क्रिस्प के नेम से जो है वो ट्रेड नेम्स मार्केट में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए. करंटली जो है वो हमारे पास डिफरेंट जो है वो वैरायटीज इसकी अवेलेबल है, स्पेसिफिकली जो यूके की हमारी फूड मार्केट है उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स, विनीगर फ्लेवर, सॉल्ट फ्लेवर या फिर मीट के डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ भी अब ये क्रिस्प जो है ये मार्केट में अवेलेबल हैं. डिफरेंट इसकी फॉर्म्स में हमारे पास मीट के आइटम्स में फ्रेश फिश स्नैक्स या फिर मीट स्नैक्स हैं, नट स्नैक्स, सीरियल स्नैक्स और पोटैटो बेस्ड स्नैक्स. जो पोटैटो बेस्ड स्नैक्स हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा कि ये लार्जेस्ट जो है वो स्नैक फूड सेक्टर हैं इन ऑल द फूड मार्केट. इसकी स्टार्टिंग में जो है वो सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग के बाद इसकी कटिंग की जाती है, डिफरेंट शेप्स जो हैं वो इसको एक्सट्रूजन से भी प्रोवाइड की जाती हैं, और थ्रू आउट एक्सट्रूजन जो है वो इसकी यूनिफॉर्म कटिंग जो है ये बहुत जरूरी है. क्रिटिकल पैरामीटर इसके जो है वो मॉइस्चर, स्टार्च और शुगर लेवल या कार्बोहाइड्रेट लेवल जो है उसके मेंटेन करने पड़ते हैं. एक खास साइज के अंदर इसको काटना पड़ता है ताकि जो है वो उसके अंदर प्रॉपर जो है वो फ्राइंग हो सके. नट बेस्ड स्नैक्स में हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट नट्स की जो है वो वैरायटीज जो हैं, फॉर एग्जांपल पीनट्स की अगर हम बात करें, या फिर और हमारे पास वॉलनट्स या इस तरह के जो नट आइटम्स हैं उनको भी हम प्रोसेसिंग एक्सट्रूजन से करवा सकते हैं, जिसमें उनका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो हम उसको रिड्यूस कर देते हैं. पीनट के अंदर हमने देखा कि उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो बहुत जरूरी है. अगर उसकी जो हार्वेस्टिंग बहुत जल्दी कर देंगे तो उसके पॉड्स इमेच्योर होंगे, जो कि एक्सट्रूजन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि उनका जो मॉइस्चर लेवल है वो फ्लक्चुएट होगा.
तो पीनट्स के लिए जो है वो उनका एवरेज मॉइस्चर लेवल जब उनको हार्वेस्ट करते हैं 18-30% होना चाहिए, और फाइनली जो है वो उनको डिहाइड्रेट कर दिया जाता है 7-8% तक। फिर हमने पढ़ा कि सीरियल बेस्ड स्नैक्स के अंदर जो है वो दो मेन वैरायटीज क्रिस्प ब्रेड्स और प्रेटजल्स की है, और जो क्रिस्प ब्रेड है उसके अंदर जो है वो उसकी वाटर एक्टिविटी और उसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत रिड्यूस कर दिया जाता है, अप टू 6% मॉइस्चर कंटेंट एंड वाटर एक्टिविटी ऑफ 0.5%। इसके अंदर जो डिहाइड्रेशन और टोस्टिंग है वो स्टेलिंग को जो है वो इनहांस कर देती है। इसके प्रोसेस में हमने देखा कि रॉ मटेरियल्स की जो इंट्रोडक्शन उसको हम जब करवाते हैं अपने फीडिंग सेक्शन में, और उसके बाद उसकी मिक्सिंग, उसकी प्री कंडीशनिंग, फिर वो एक्सट्रूजन से गुजरता हुआ डिफरेंट सेक्शन से गुजरेगा, मीटरिंग सेक्शन या फिर कंप्रेशन सेक्शन, और फाइनली उसकी ड्राइंग एंड टोस्टिंग करके उसको पैक कर दिया जाता है। प्रेटजल भी हमने देखा कि ये एक बहुत पुरानी वैरायटी है, 800 इयर्स ऑफ इसकी हिस्ट्री है। इसका जो क्रॉस है वो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी जो कि क्रिश्चियन प्रेयर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और फाइनली जो है हमने फ्लो चार्ट पढ़ा स्नैक फूड में, किस तरह जो है वो रॉ मटेरियल्स की अराइवल के बाद उसकी एक्सट्रूजन होती है, और उसके बाद उसको मल्टीपल ड्रायर से गुजर के उसका मॉइस्चर लेवल एक ऑप्टिमम लेवल तक रिड्यूस कर दिया जाता है, और फाइनली उसकी जो है वो फ्लेवरिंग करवाई जाती है या फ्लेवर एडिशन उसमें करवाई जाती है, एंड देन इट इज मूव टू द पैकेजिंग सेक्शन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।